हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लॉगरिदम। ठीक है कि लॉगरिदम क्या होता है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज और ग्राफ क्या है, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में कि लॉग एन बेस में ए क्या होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में मतलब इसका डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए लॉग एन बेस में ए, तो इसका वैल्यू क्या होगी। तो इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि एक्स होगा। ठीक है, तो लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं, लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉग को हटाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि जो ये बेस में ए होता है ना, ये बेस में ए है, इधर भी जाने के बाद ये बेस भी बेस का काम करेगा। मतलब जो एन है, एन को हम एज इट इज उतार देंगे, और जो ये बेस में ए है, ये काम क्या, बेस का ही काम करेगा। ठीक है, यानी कि समथिंग ऐसे इस तरह। यानी जब लॉग हटाते हैं तो ये जो नंबर है ये एज इट इज़ यहीं पर रह जाता है, लेकिन जो लॉग का बेस होता है वो बेस का ही काम करता है, या तो वो राइट साइड में जाए या लेफ्ट साइड में जाए। यानी कि जब भी वो राइट साइड में जाता है तो बेस का ही काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाहता था कि जो डबल डबल इम्प्लीकेशन का ये जो सिंबल है, डबल इम्प्लीकेशन का ये जो सिंबल है, इसमें क्या मैंने ये लगाया, ये करा है कि एन ए की पावर एक्स, ये डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल है ना, कभी तो हम क्या करते हैं, लॉग को क्या करते हैं, लॉग को हम कभी तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेकर आते हैं, और या तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, हम लॉग में लाते हैं। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल में क्या कि किसी नंबर का कुछ समथिंग पावर होती है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि लॉग में बस इतना ही है कि कभी तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में लाते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में लाते हैं, या तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में लाते हैं, यही करते हैं। और इसी की बेस्ड पे सारा सॉल्यूशन, इसके प्रॉपर्टी भी इसी की बेस्ड पे सब फॉर्म्ड होगी। बस इतना ही है कि लॉग को हटाने के लिए कुछ ये तरीके हैं, और फिर लॉग लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये चीज़ें। बस इतना कि कभी तो लॉग को एक्सपोनेंशियल में ले जाना, एक्सपोनेंशियल कभी लॉग में ले जाना। ठीक है, सिंपल है। अब इसके क्या देख लेते हैं, ये फंक्शन ही है लॉग, एक फंक्शन ही है। ठीक है, लॉग एक्स बेस में ए। ठीक है, इसका हम क्या देख लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं कि डोमेन में क्या कहता है, डोमेन में इसको क्या क्या नीड होती है। ठीक है, तो कहता है कि एक्स बिलोंग करता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो भी कब, जब ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 है, और ए नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये इसका डोमेन है। और रेंज में क्या कहता है, रेंज में क्या है इसका, रेंज ये है इसकी कि जो फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है ये बिलोंग करता है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, इसका ये क्या होगी, रेंज हो गई। ठीक है, यानी कि बस क्या करना है, लॉगरिदम में लॉग को कभी एक्सपोनेंशियल में ले जाना है, एक्सपोनेंशियल को कभी लॉग में ले जाना है, यही तरीका है। और इसका कुछ फंक्शन का, ये जो फंक्शन, इसका डोमेन देखा कि 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, कब, जब इसकी पावर क्या, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और इसका रेंज क्या है कि -∞ से ∞ तक जा सकती है। ठीक है, एक मैं इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए लॉग 100 बेस में 10 क्या होगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। मान लेते हैं इसकी वैल्यू एक्स है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये जो नंबर है एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, और ये जो बेस है, लॉग का जो बेस है, वो इधर जाने के बाद भी बेस का ही काम करेगा, यानी कि समथिंग कुछ ऐसे। उसके बाद में क्या होगा कि 10 है, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स। ठीक है, यानी कि 10 को मैंने ऐसे लिख दिया, 10
10 की पावर 2, 10 की पावर 2, और ये तो एज इट इज था, तो इसका इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। यही फाइंड कर रहे हैं कि हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, कि हमने पता करना था कि log 100 बेस में 10 क्या होता है। तो सिंपली हमने क्या करा, ये जो नंबर है इसको सेम यहीं पर उतार दिया, और जो बेस था इधर जाने के लेफ्ट सॉरी राइट साइड जाने के बाद भी वो बेस का ही काम कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसी के बेस्ड पे है कि कभी एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे लॉ को, कभी लॉ को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, इसी के बेस पे प्रॉपर्टीज की फॉर्म्ड होती है, ठीक है। तो इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि log 1 बेस में a इज़क्वल टू 0, वो भी कब, जब a नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि log a बेस में a इज़क्वल टू 1, इसकी कुछ कंडीशन है कि नॉट a इज नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, यानी कि ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जब भी log 1 रहेगा उसकी log 1 होगा और बेस में क्या होगा a होगा, तो क्या होगा 0 आएगा। जब log में a होगा और बेस में भी a, यानी कि ये दोनों सेम है, बेस और log a और बेस में a ये दोनों सेम है, यानी कि 1 आएगा। इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कह रहा है। log m बेस में a प्लस log a सॉरी log n बेस में a, ये तो ये क्या कहता है, जब भी दो log का हम सम करते हैं तो उसको वो log में, जब भी दो सम दो लोग को सम सब सम बनाते हैं उसका, तो वो कुछ ऐसे फॉर्म हो जाता है कि बेस तो दोनों का सेम है, ठीक है। और ये जो इसकी इसमें हमने जो इनपुट डाला है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अगर जो क्या करेंगे हम, log a बेस में m सब्ट्रैक्ट करेंगे log a n, और इसको क्या करेंगे कि जब एडिशन किया तो जो इनपुट डाला हमने उसका मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब हम log को जब सम करते हैं, जब log का जब हम सम करते हैं, जो इसके अंदर इनपुट डाला है उसका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि मल्टीपल हो जाते हैं। लेकिन क्या अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, पावर सभी सेम है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ये सिंपल सी बात है कि जब हम सम करते हैं तो प्रोडक्ट में आता है जो भी हमने इनपुट डाला है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो भी इनपुट है वो डिवाइड में आ जाता है। यही सिंपल सी बात है। और इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5th देख लेते हैं, 5th में क्या है, प्रॉपर्टी फिफ्थ में क्या कहता है कि लॉग लॉग एम बेस में ए और इन जो इनपुट डाल रखा है इसकी समथिंग कुछ पावर है, यानी कि जब लॉग एम एम की पावर्स अल्फा होगी और बेस ए होगा तो इसका क्या होगा, यानी कि जो जब भी अगर इनपुट की पावर समथिंग होगी तो उसको क्या करेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे, यानी कि वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो log a और m ऐसे कुछ हो जाता है, जब भी मैं कह रहा हूँ जब भी इनपुट की पावर आती है, इनपुट की पावर कुछ भी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे लेकर आ जाते हैं, उसको हम मल्टीप्लीकेशन में। अब इसी तरह क्या है, इसका अपोजिट एक और है कि log m, अब बेस की पावर हमने कुछ दे दिया, किसकी पावर, बेस की पावर हमने कुछ दे दिया,
जब इनपुट की पावर कुछ आ रहा था तो हमने इसको मल्टीप्ले यहाँ पे नीचे लेकर आ गए, यहाँ से नीचे लेकर आ गए, ठीक है। अब क्या करें, जब बेस का पावर ही कुछ हो रहा है, यानी बेस का पावर क्या होगा, जब बेस का पावर कुछ आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड में लेकर चलेंगे, यानी कि 1/β और log a, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी हम क्या करते हैं, इनपुट की पावर समथिंग होगी तो उसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे, कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, जबकि बेस की पावर समथिंग होगी तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 देख लेते हैं, इसमें क्या 7 में क्या है, प्रॉपर्टी 7 में क्या है कि बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, ठीक है। log m a बेस में a, ठीक है। जब मैं लिख रहा हूँ log m और बेस में a, तो इसको अगर आपको बेस इसका a अच्छा नहीं लगता या तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सपोज कि आपको कुछ भी क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से आपको कोई बेस चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सिंपली क्या करना है कि log m को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और बेस क्या चाहिए हमें, मान लेते हैं हमें बेस चाहिए b, ठीक है, b चाहिए। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या करना है कि log तो ठीक है, log लेना है, और हमने बेस क्या लेने की कोशिश करी, बेस हमारा हमने सोचा कि b ले लेते हैं, b ले लिया, जो यहाँ पे जो था ना, ये जो बेस ये क्या करेगा, यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये बन जाएगा log a बेस में b, log m बेस में b, यानी कि बेस चेंजिंग फार्मूला है, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, कभी कभार हमें बेस भी चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से हम 8th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या कह रहा है 8th प्रॉपर्टी में कि log m बेस में ए, इसका क्या करते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि 1 log m a। जब भी देखिए क्या करते हैं कि जब भी log m a है तो इसका जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो ये जो बेस होता है ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए m था, log m बेस में a था, जब इसका हमने रेसिप्रोकल करा तो log a हो गया और बेस में क्या हो गया a, ये है प्रॉपर्टी नंबर 8th में। और 9th प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 9th प्रॉपर्टी में क्या है, 9th प्रॉपर्टी में बहुत ही सिंपल है कि इसमें क्या कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल बेस है और जो लॉग का बेस है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका जो जो भी हमने इसके अंदर इनपुट दे रखा है एज इट इज़ वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब एक्चुअल बेस और लॉग का जो बेस है अगर वो सेम है दोनों, तो सीधा जो भी हमने इनपुट डाल रखा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और 10th प्रॉपर्टी क्या है, 10th प्रॉपर्टी में क्या है, टेंथ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इस दोनों में इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि ये जो इनपुट होता है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो एक्चुअल बेस है और जो पावर की जो लॉक का बेस है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, द 10th प्रॉपर्टी ये है। तो एक्चुअली देखिए कि मैंने क्या क्या बताया इसमें, कुछ फॉर्मूले जो मैंने बताया कि जब भी हम ऐड करते हैं लॉक को तो वो मल्टीपल में आ जाता है, उसकी जो इनपुट है वो मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी इसको क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिवीज़न में आ जाते हैं, लेकिन जब भी इनपुट की पावर समथिंग होती है तो उसको नीचे लेकर आ जाते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं, लेकिन जब बेस की पावर समथिंग होती है तो डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं, इसको तो न्यूमिनेटर में रखा, लेकिन जब बेस की पावर होती है कुछ तो डिनोमिनेटर में लेकर आ जाते हैं। और इसका क्या करा कि जब हमें बेस क्वेश्चन में क्रिएट करता है चेंज करने के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली इसको log b log m बेस में b कर देते हैं,
लॉग ए बेस में बी कर लिया सिंपली, क्योंकि हमें कंडीशन कभी कभार होता है कि करना पड़ता है। और जब क्या करते हैं लॉग ये जो है इसको हमने रेसिप्रोकल करते हैं, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसका जो इनपुट है और जो लॉग की बेस, जो लॉग का बेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा। और नाइन्थ प्रॉपर्टी में क्या था कि जब एक्चुअल बेस और जो एक्चुअल बेस और लॉग का जो बेस है अगर दोनों सेम होता है, एक्चुअल बेस और जो लॉग का भी जो बेस है अगर वो दोनों सेम होता है तो जो इनपुट डालो एज इट इज़ वही आ जाएगा। लेकिन जब क्या होता है, जब एक्चुअल बेस और लॉग का जो बेस है इन दोनों में इंटरचेंज कब होता है, इन दोनों में इंटरचेंज होता है जब इनपुट को हम कांस्टेंट ले लेते हैं और लॉग लेते हैं, फिर इन दोनों का ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी। इसमें इसका देख लेते हैं कि ग्राफ क्या है। ग्राफ ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है इसका कुछ ग्राफ होगा। ठीक, ग्राफ किसका बनाते हैं, वाई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स बेस में ए, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए मैं इसमें इनपुट डालता हूँ कुछ, इनपुट डालता हूँ और आउटपुट निकालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ उसमें, इसमें वन डालता हूँ तो क्या है, जब मैं इसमें वन डालता हूँ तो इसका ज़ीरो आएगा। इसकी ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जब भी लॉग की लॉग का जब भी जब भी जब लॉग जैसे देखिए ये यहाँ पे एक सॉल्यूशन था, ये देखिए जब भी इसके लॉग वन होता है उसका लॉग वन आएगा और उसका पावर ए रहेगा तो क्या आएगा, ज़ीरो आता है। इसी के हिसाब से मैंने इसमें डाला है कि जब मैंने इसमें वन डाला तो इसको ज़ीरो आ गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ टू डालता हूँ, तो टू डालने पे क्या आएगा, टू डालेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, टू डालने पे वन आएगा। ठीक है, टू डालने पे वन आएगा। अब इसमें क्या करता हूँ मैं फोर डाल देता हूँ, फोर डालने पे क्या आएगा, फोर डालने पे टू आएगा। मान लीजिए टू है, फोर डाल दे टू आ गया। इसके आगे और भी क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इसका सिंपली इसका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बनता है इसका सिंपली। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ये कब बनता है, जब लॉग एक्स ए की पावर लॉग एक्स ए होता है और जब ये क्या ग्रेटर देन वन होता है। अब इसकी कंडीशन हो जाएगी कि जब ये क्या ए की जो इसकी जो बेस है ये ग्रेटर देन वन है ना, तो अभी ऐसा कुछ इंक्रीजिंग सा गया है। जब क्या होगा, जब इसका लेस देन वन हो जाएगा क्या होगा, जब वन और ज़ीरो और वन के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसका मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, लॉग ही है लॉग एक्स ए, इसकी कंडीशन क्या है, ज़ीरो वन ज़ीरो ग्रेटर देन और वन। ठीक है, यानी ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका बेस हम कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका बेस हम ले लेते हैं एक कोई कि लॉग टू एक्स माइनस। ठीक है, एक्चुअली यही इसमें डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा है कि इन दोनों के बीच का नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने हाफ़ लिया है, यहाँ पे हाफ लिया है, ठीक हाफ़ लिया है, इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज है। जैसे मान लीजिए हाफ जब मैंने यहाँ पे लिया है
तो इसकी पावर क्या होती है, जब हाफ लिया तो यहाँ पे हाफ लिया, जब हाफ 1/2 लिया मैंने, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ। जब -2 यानी बेस की पावर समथिंग आ गई, माइनस आ गया, तो माइनस क्या कह रहा, मैंने डिनोमीटर में ला दिया। डिनोमीटर में लाने के लिए कुछ ऐसा चेंज हो गया, ठीक है, यानी 2 यहाँ पे रह गया और उसकी जो पावर मैंने डिनोमीटर में ला दिया, तो कुछ ऐसा ये बन गया। ठीक है, अब इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, कभी तो मैं हाफ पुट करता हूँ, 1/2 कभी पुट करता हूँ। 1/2 कर पुट करूँगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 1/4 पुट कर देता हूँ, 1/4 पुट कर देता हूँ, तो -2 आएगा, -2 मान लीजिए यहाँ पे। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 1/8 इसमें पुट कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि इनपुट हम डाल रहे हैं और आउटपुट निकलता आ रहा है। 1/8 डाला तो कितना आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा, सॉरी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। जब क्या होता है, जब इसकी पावर यानी ए यानी कि बेस 0 और 1 के बीच में होता है, तब ए जब ग्रेटर देन 0 होता है, जब और क्या होता है, <1 होता है, तब इसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, इसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। अदरवाइज़ इसका, जब इसकी पावर ए जो इसका बेस है ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका कुछ इंक्रीजिंग सा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन से ले लेता हूँ, ठीक। इसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, पहला क्वेश्चन ये है कि लॉग यानी कि लॉग 3 + 2√2 और इसका बेस क्या है, 3 - 2√2। देखिए एक्चुअली क्या, ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये एक दोनों के कॉन्जुगेट है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा यानी कि 9 - 8 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये चीज़ तो यहीं पे रह जाएगी, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, 3 + 2√2 एक बारी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका क्या रैशनलाइज कर देते हैं कि एक बार -3 2√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 2√2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये करने के बाद क्या होगा कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, और बेस में ये 3 - 2√2 थे थाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे 1 आ गया, जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, और ये क्या चल रहा था, -3 2√2, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग लॉग हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग 3 2√2। इसको क्या बना सकते हैं, कुछ ऐसे बना सकते हैं, 3 - 2√2 की पावर 1, ठीक है, की पावर 1 बना सकते हैं। तब क्या करेंगे, देखिए ये जो पावर है इसको हम नीचे लेकर आ सकते हैं कि नहीं, नीचे लेकर आ जाएंगे,
लॉग आ गया, यानी कि 3 2 अंडर रूट 2 और ये 3 2 अंडर रूट 2, यानी क्या हो गया, जैसे देखिए ये दोनों सेम हो गया। सेम होने के बाद क्या होता था कि 1 बन जाता था, और माइनस साइन था ही, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी के बेस्ड पे सब ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको एक बार प्रॉपर्टी को रिवाइज़ कर लीजिए, ग्राफ देख लीजिए। इंक्रीजिंग ग्राफ कब बनता है, जब वो ग्रेटर देन, उसका जब बेस क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगा। और डिक्रीजिंग कब बनेगा, जब उसका ए ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। तो इसको ये सब फॉर्मूले के बेस पे ये करा गया है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं। ये सब फॉर्मूले के बेस पे हैं, आपको ये सब फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद करने और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। द वैल्यू वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस में ए बी सी प्लस लॉग बी प्लस में बेस में ए बी सी, उसी तरह लॉग सी बेस में ए बी सी, ये कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, देखिए क्या करना। इसके हमें फाइंड द वैल्यू करना है। ठीक तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसको सिंपली। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो लॉग ए ए बी सी, जब भी लॉग को रेसिप्रोकल करना था तो ये दोनों इंटरचेंज रहते थे, उसी तरह 1 अपॉन लॉग बी ए बी सी, उसी तरह लॉग सी ए बी सी। अब क्या करना है हमें, ये देखिए, अब इन सब का ये जो इनकी जो इन जो इनके अंदर इनपुट है वो सबका सेम हो गया, इनपुट सेम हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम इनका सिंपलीफाई थोड़ा और करेंगे, कि इनका ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, ये सिंपली क्या करेंगे, सबकी पावर सेम है ना, जैसे देखिए ये पावर ये पावर ये पावर सेम है, जब भी हम करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए ए लॉग, अभी इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं,